हेलो गाइस, तो आज हम गेम प्ले करेंगे जस्ट कॉज 4 का। ये सब बिल्ड रही लो स्टैंडर्ड पे, तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, जिन्होंने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले देख लेते हैं हम सेटिंग्स, तो 1080p सेटिंग्स आप देख सकते हैं, आई वेरी हाई, जो रिकमेंडेड सेटिंग्स आई थी वही थी, वी सिंक ऑफ है। बाकी सेटिंग्स आपको मैं दिखाता हूँ नीचे करके, तो ये जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं वही हैं। एंड जो फैन का मोड है वो मैक्स मोड पे है। लेट्स प्ले नाउ। थोड़ी और आवाज बता दी है। एक मुझे आपसे सजेशन चाहिए। मैंने आज सुबह ऐसा नाइट्रो 5 राइजन 5 ऑर्डर किया था 52,000 में, 53 का है मेरे से ख्याल से। तो अब मैंने सोचा कि यार 8,000 और दे के FX505 DT मिल जाता है, जिसमें 1650 मिलता है GTX, और ऐसा नाइट्रो 5 में है RX560। तो दोनों में से यार अगर मैं ऐसा नाइट्रो 5 रिव्यू करता हूँ चैनल पे अपने, मेनली मैंने रिव्यू के लिए ऑर्डर करना था EMI पे, और अगर मैं वो रिव्यू करता तो लोगों ने कहना था कि 8,000 और दे के 1650 आ जाता है, तो कौन फिर ऐसा नाइट्रो 5 लेगा। तो इसलिए मैंने फिर कैंसिल ही कर दिया। मे भी मुझे लेना चाहिए, तो अगर रिव्यू के लिए तो मिनिमम 1650 लैपटॉप लेना चाहिए, जो कि एसयूस की तरफ से आता है, एसयूस रोगस्टिक जी। चलो अब गेम में फोकस करते हैं, तो मुझे सजेशन दो, इस नाइट्रो 5 नहीं सही किया ना मैंने कैंसिल करके। और इस लैपटॉप के बारे में बताना है कि पहले तो मैक्स मोड पे हम कोई भी गेम खेलते तो 80 से 85 डिग्री तक टेम्परेचर रहता था मैक्स मोड पे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है या कुछ ड्राइवर का इशू है, जो नए अपडेट आए हैं इसके टेम्परेचर अब 90 तक ही 90 प्लस चल जाता है मैक्स मोड पे भी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा था बताना मुझे, या मेरे ख्याल से जो लैपटॉप जब नया नया आता है तो उसकी जो थर्मल पेस्ट होती है वो गीली होती है हिसाब से, उससे वो लग रहा है कि अब वो सूख चुकी है जल्दी। अब एसर वाले घटिया यूज करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। अब गेम में नहीं फोकस हो रहा, चलो अब गेम में फोकस करते हैं। हो गया कंट्रोल ही भूल गया मैं, था इनविजिबल हो गया। अब देखो 90 प्लस ही रह रहा है, गर्मी तो है बहुत, पसीना रुक ही नहीं रहा, कमरे का फैन फुल स्पीड पे चल रहा है। पहले यही कमरे में गर्मी मेरे ख्याल से इतनी थी, 80 से 85 तक टेम्परेचर रहता था हर गेम में, अगर मैक्स मोड पे करते फैन। ऑटो मोड पे तो 90 प्लस रहता ही था, अब लेकिन मैक्स मोड पे भी ऐसा हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। अब ये भी थर्मल पेस्ट जम चुकी है, नई नई में ताजी ताजी होती थी। वाला निशान नहीं आ रहा, और यार वो इतनी डैमेज हो गया इन्हू, मरदा नहीं पे
happy to have him poking around. The Black Hand are highly trained, Marx. FX-505 DT में भी है तो 8000 का फर्क ऐसा नाइटर 5 राइजन से, लेकिन वो हीट बहुत होता है FX-505। और RX-560 कितना पुराना हो चुका है ग्राफिक कार्ड से तो, लेकिन वो भी उस बजट में वही आता है तो, बट हीट बहुत कम होता है नाइटर 5 तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं वो रिव्यू करूंगा। सनाइटर 5 खाली वही लेगा जिसको खाली हीटिंग इशू से मतलब है, हीट कम हीट वाला लैपटॉप चाहिए। अगर कोई ग्राफिक कार्ड देके लेगा तो फिर वो 1650 लेगा, होगा 8000 और देके 1650 मिल रहा है तो RX 560 कौन लेगा। तो इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन ना, तो मैंने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। ऑर्डर करने के बाद पैसे भी तो वसूलने हैं, पैसे कैसे वसूलने हैं अगर कोई ऑर्डर करेगा तभी ना। पहली मेरी इनकम एफिलिएट से होती है तो तभी मैंने ऑर्डर करना था, एफिलिएट से मैं वसूल पाऊँ, इसलिए मैं वही लैपटॉप ऑर्डर करता हूँ। जो सबका किलर हो, जैसे कि ये एसो बेटर सबका किलर है सस्ते बजट में। ओए चलना की नहीं पे होंदा, बंदे टक गया सी एक जगह ते। ओले मारी गया, नहीं जिंदा है मैं। Time.
हो गया मिशन कंप्लीट। चलो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।